छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वाद विवाद के बीच आखिरकार आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और EWS के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था, लेकिन हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% EWS के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार पिछली सरकार ने केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और EWS के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा, और जो EWS के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पर 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक ही दिया जाएगा जिन क्षेत्रों में ज़्यादा EWS के लोग रहते हैं। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकार और वर्तमान मंत्री शिव डेहरिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई, और जिसके चलते विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन दोबारा शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्षी पार्टी भाजपा ने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसके साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया। दूसरी तरफ जब विधेयक पारित हो गया, महामहिम के पास अभी वह हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तब यह विधेयक अस्तित्व में आएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरक्षण विधेयक के बिना अस्तित्व में आए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजने का जो शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, हम लोगों ने उस पर असहमति व्यक्त की। इस विधेयक के लागू होते ही छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा आरक्षण होगा। बता दें कि हाल ही में झारखंड विधानसभा ने भी कुल आरक्षण को 60% से बढ़ाते हुए 77% करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी थी। ब्यूरो न्यूज़ न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ अतुल कुमार की रिपोर्ट।